गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और शाम का टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है? 4:30 बज रहे हैं ना, 4:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। मेरे साथ है प्रेरणा, जैसे कि मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था ना कि अब प्रेरणा और मैं वॉक पे जा रहे हैं। तो बस हमारा टाइम हो गया, बच्चों को ट्यूशन छोड़ा और उसके बाद में हम लोग चल रहे हैं वॉक पे। 2-3 राउंड काटेंगे हम अच्छे से, पूरा 1 घंटा वॉक करते हैं हम लोग, 4 बजे से लेकर के और 5 बजे तक की। और मज़ा आता है घूम के, लेकिन ये सब कितने दिन चलेगा वो नहीं कह सकते। प्रेरणा, अपनी बात पर अटल रहना है। अब हमारा पता यही होता है, कितनी बार हमने ऐसे सोचते कि घूमने जाएंगे, थोड़ा टाइम बाद ऐसे हो जाता है। यार ये क्या बन रहा है यहाँ पे? रिलायंस स्मार्ट पॉइंट। तो भाई ये देखिए, हमारे घर के पास ये बन रहा है नया रिलायंस का स्मार्ट पॉइंट। देखते हैं तू जस की, ये भी ओपन नहीं हुआ, काम चल रहा है अभी तो इसमें, है ना? चलो यार बढ़िया है, आएंगे यहाँ पे। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ग्रीनरी तो कितनी है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, मतलब हमारे गली से निकलते ही जो रोड है ना हमारी, ये वो वाली रोड है। और यहाँ पे देखो बहुत हरियाली है, बहुत अच्छा है। डिवाइडर रोड है ये जो हमारी, बहुत बढ़िया है। शाम को बहुत लोग यहाँ पे वॉक करते हैं, मॉर्निंग में भी बहुत, बल्कि मॉर्निंग में ज़्यादा आते हैं लोग। पूरे में यहाँ पे सारे में देखिए आप, पूरा इतना अच्छा यहाँ के है घूमने के पर्पज से। दो तीन दिन से वॉक कर रही हूँ ना, तो मतलब अच्छा लग रहा है। सुबह तो सोच ही नहीं सकते वॉक करने की, क्योंकि बहुत काम रहते हैं सुबह। बच्चों को स्कूल जाना है, उसके लिए रेडी करना है, सारे बाकी बेसिक काम जो होते हैं सुबह के वो सारे रहते हैं, तो इसलिए शाम का टाइम बेस्ट है। सही लग रहा है, इतने सारे हैं देखिए, तो सारे बंदर होते रहती, देख कितने सारे बंदर हैं। ये ना यही, देख छोटा सा बच्चा, ये यहीं रहते हैं ना, जिसे चला भी नहीं जाता ठीक से। तो जी भी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाने में मैं बताऊँ आज क्या है हमारे, आज मैं बताऊँ आपको कि उनको आना था, वो बोल रहे थे कि आज रात को निकल लेंगे तो कल सुबह पहुँचेंगे, तब इनका कुछ काम आ गया तो वो नहीं आ पा रहे हैं। और हम खा रहे हैं अब खाना। खाने में मैंने रोटी नहीं बनाई, बस चावल बनाए हैं। तो मेरे पास खाने में ये है, एक थोड़े से छोले हैं और ये थोड़ी सी दाल है और चावल, थोड़ा सा प्याज काट लिया है। कान्हा जी को तो मैंने बिना प्याज का भूख लगा चुकी हूँ उनको। और बस अभी हम चलते हैं खाना खाने के लिए। किचन विचन सब उसके बाद ही साफ़ करूँगी, पहले खाना वाना खा ले क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है, टाइम भी हो गया। चलो बेटा कपड़ा भी छटिया, खाना खाओ। गाइस अभी मैं खाना वाना खा के बैठी हूँ और किचन में बर्तन पड़े हैं बहुत सारे करने के लिए, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा रूम से निकलने को भी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। मैं उस रूम से निकली, फिर किचन में गई और इनकी कॉल आ गई। फिर टिया के पास फ़ोन था, वो वर्क कर रही थी, तो इनकी कॉल आ गई, तो टिया कह लो मम्मी से बात कर लो। और बस मैं इस रूम में आके बैठ गई, तब से यहीं बैठी हूँ, कुछ भी करने को दिल नहीं कर। हो गया बेटा काम करोगे सारा? नहीं हुआ, रह गया अभी करने को, कितनी देर का है? तो मैं इसको टिया को फ़ोन दे देती हूँ, बाद में आगे इतने मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि इसको वर्क करना है कुछ, मेरे फ़ोन से इसका वर्क आया हुआ है ना स्कूल से। ले बेटा फ़ोन ले, ले आ जा। देखिए टिया ने आज ये क्या बनाया है, ये है क्या, पत्थर है? है पत्थर है ना, पत्थर पे ये अपना कलर कर, गीले हो गए, गीले सूख गए, गीले लग रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, ये है पत्थर और जिन पे स्टिया ने ये करा है कलर, ये है मिलीमेंस, क्या बोलते हैं पता नहीं, और ये लेडी बग, ये दोनों मैंने बनाई है, ये बनाया टिया ने आज दोनों चीजें। इसको ना कह रही मैं ना ये करके अपना मतलब जो घर का जो गार्डन है ना, गार्डन क्या गार्डन मतलब जहाँ हमने पौधे गमले वगैरह लगा रखे है, कह रही मैं वहाँ पे मुझे ये चीज ऐसे करके बना बना के मुझे डेकोरेट करनी है। तो करेगी गाइस, देख के मेरी किचन की क्या हालत हो रही है, इतने सारे बर्तन हो रहे हैं, ठंडा पानी, ठंड हो रही है, मन कुछ नहीं कर रहा करने का। काम करो जल्दी, सोएंगे फिर बहुत लेट हो जाता है, सोने में भी बहुत ज्यादा लेट हो जाता है हमको, कितनी भी कोशिश करें ना जल्दी सो ही नहीं पाते, पता नहीं क्यों। क्या देखिए फ्रेम कितना अच्छा आ रहा है, मेरा स्वेटर और ये ऐसे है, ये है नेमार और लेवेंडोस के पोस्टर जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो गाइस आइए चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मैंने 3 पत्थर और बनाए थे, 3 स्टोन्स पे और पेंटिंग करी थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो
लाइट जरा थोड़ी सी ओपन कर देती हूँ, यहाँ की भी कर देती हूँ। टड़ा टड़ा टड़ा। तो गाइस सोच सकती हूँ कि आपको दिख जाए थोड़ा बहुत, तो मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से। इस पे मैंने अभी कुछ नहीं लगा रखा है, तो चलते इसकी तरफ। तो इस पे मैंने ये पेंटिंग करी है, थोड़ी दिख नहीं रही है, तो आप देख सकते हैं जो मैंने चौकी खराब पड़ी उस पे जैसी पेंटिंग करी थी वैसी इस पे मैंने बना रखा है। ये देखिए अच्छी लग रही है कि, कमेंट्स में बताना। इसको हम यहीं रख देते हैं। हाँ ये रख दिया, मैंने कुछ नहीं लगाया पर इस पे लगा रखा है। ये इसका तुलसी माता को हम रोज ही दिया चढ़ाते हैं, तो ये दिया मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया, इसमें तेल मैंने दिया जलाया था। और ये तुलसी इनका जो प्लांट है उसका नाम लिख के मैंने इस पे ऐसे इसको डेकोरेट कर दिया, पूरा वाइट कर दिया। और मैंने तुलसी लिख के एक प्लांट बना दिया। मैंने कुछ नहीं लगाया एंड इस पे मैंने आर्ट बनाई है। ये मैंने एक फ्लावर सा बना दिया ताकि ये प्लांट अच्छा सा थोड़ा बड़ा सा है तो अच्छा सा लगे। चलते हैं सेकंड डोर की तरफ। तो इस पे बस मैंने प्लांट लिखा है, इतना सुंदर नहीं लग रहा है। बुप। तो गाइस ये मैंने दूसरा बनाया है, मैंने ग्रीन कलर का पेंट करके इसके ऊपर और माय गार्डन का इसके ऊपर मैंने लिखा है। तो कमेंट्स में बताएं कैसा लग रहा है। तो ये तीन मैंने कुछ बनाए थे, तो अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो गाइस अभी मैं अपना सारा काम खत्म करके यहाँ पे बैठी हूँ आपके बेड में कंबल के अंदर। और मैंने लिया है ये है थिनर रिमूवर, नेल रिमूवर। तो अभी मैं अपने मेरे जो ये नेल पेंट लगी है बहुत ख़राब हो रहे हैं मेरे नेल्स, तो सोच रही हूँ कि मैं इनको क्लीन करके इन पे दोबारा से नेल पेंट लगाती हूँ, पहले इनको क्लीन कर लेती हूँ। ये कुछ इस तरह से हैं और इसमें से हम एक ऐसे निकाल लेंगे और इससे हम इसको क्लीन करेंगे, तो मैं ये कर लेती हूँ। तो गाइस मैंने जो अपने नेल्स हैं वो सारी मैंने नेल पेंट सारी हटा दिए मैंने, अब इनको थोड़ी देर में फ्री छोड़ूंगी, उसके बाद में मैं इनमें नेल पेंट लगाऊंगी। तो गाइस अभी बच्चे मेरे दोनों सो चुके हैं और रात के बज रहे हैं 12:30, बहुत लेट हो गया मुझे। एक्चुअली मैं थोड़ी देर ना टीवी देखने बैठ गई थी, कुछ वीडियोज़ वगैरह देख रही टीवी में भी, क्योंकि हम ना वो जो वो था ना क्या होता है उसको क्या बोलते हैं जो डिश लगी होती है, मतलब वो नहीं हम रिचार्ज कराते, हमने बस नॉर्मली वाईफाई से कनेक्ट किया, जो भी हम यूट्यूब या और डिज्नी प्लस हॉट स्टार या ऐसा कुछ भी देखना होता है तो हम उसमें देख लेते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ हमें रिचार्ज रहा है, तो मैं ऐसे देखने लगी थी एक दो वीडियोज़, वो देखती रही क्योंकि मैं दो व्लॉग जो है वो मेरे मैं देखती हूँ, एक तो संभावना सेठ का एंड दूसरा सौरभ जोशी व्लॉग, वो मैं दोनों व्लॉग ज़रूर देखती हूँ डेली। तो वो मैंने आज देखे नहीं थे तो मैं वो देखे, और भी काफ़ी व्लॉग्स हैं वो तो मैं अपने फ़ोन में ही देखती हूँ, लेकिन जो मेन जो ये दो है जो कि मुझे लगता है कि मुझे देखने ही देखने हैं, मैं ज़रूर देखती हूँ, तो वो देखने में बैठ गई तो मुझे लेट हो गया। और उसके बाद वीडियो एडिट वगैरह मुझे भी करने, मेरे ना गले में दर्द हो रहा है और अभी मैं थोड़ा गर्म पानी पीऊँगी उसके बाद ही सोऊँगी। तो गाइस आप आज की जो वीडियो है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपकी वीडियो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।